तो अब जो भगवान के पास जा कर के बात किया है, उनका दर्शन किया है, तो उनको तो जगत की छवि कुछ है नहीं। तो दिन रात घर में कृष्ण की चर्चा वो करती आपस में बैठ करके, जब उनको समय मिलता वही चर्चा। दूसरी, जगत की चर्चा अपने आप भूल गई उनकी। मन उस कृष्ण मूर्ति में ऐसा हो गया कि दिन रात वही चर्चा घर में हो। तो ये कन्या थी जो यज्ञ में नहीं गई थी, यहाँ पर घर पर थी मथुरा में, तो दिन रात जब वो चर्चा सुनती तो उसके मन में कृष्ण के प्रति बहुत भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि वही सुनना पड़ता उसको ना। सुनते 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 इतना भाव उत्पन्न हो गया कृष्ण दर्शन का, ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि वो अपने को रोक ही नहीं पाई और सवेरे 3 बजे चल दिया वृंदावन की तरफ। अब उसको तो रास्ता भी पता नहीं, भटकते भटकते शाम को 4 बजे वृंदावन पहुंची। देखा सब घाट सूने हुए पर सूने पड़े हुए हैं, कोई बोलता नहीं है। अब उसने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ी महिमा सुन करके मैं आई, यहाँ तो सब सूना सूना दिखाई देता है। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि कृष्ण आज मथुरा चले गए, अक्रूर आए थे, अब कृष्ण को लेकर के कहाँ चले गए, मथुरा चले गए। इतना सुनना था कि बेहोश होकर के गिर गई। 1 घंटे के बाद उसको थोड़ा होश आया तो एक बात उसके मन में आई। अब देखो यहीं से चलता है, उसके मन में आई कि वो तो सर्वज्ञ है, उसको आज ये मथुरा जाना था तो मथुरा से यहां मुझे क्यों बुलाना था, मथुरे में रखना था, अब मथुरा से यहां बुलाया तो गया क्यों। अरे जीव अल्पज्ञ है, पर वो तो सर्वज्ञ है कि नहीं, वो तो सर्वज्ञ है कि नहीं। इतनी बात मन में आते ही उसको एक स्फुरण हुआ कि उसने यहां पर बुलाया है, ले आया है, तो अवश्य ही यहां पर कोई काम मुझसे कराने का उसको इष्ट होगा। वियोग का दुख खत्म हो गया, उसने यहां बुलाया ना, और वो सर्वज्ञ है, बुलाया तो कोई काम से बुलाया होगा। अब देखो वियोग का जो दुख था वो खत्म हो गया, अब दूसरी चीज आ गई, वो क्या काम कराना चाहता है हमसे। तुरंत उठी गई, पड़ा है सब, नंद बाबा के घर में गई, झाड़ू लगाया, पानी गर्म किया, नंद यशोदा को स्नान कराया, भोजन बनाया। वो कहे हम नहीं खाएंगे कृष्ण के बिना, कहा कि आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी मैं, आपको तो खाना पड़ेगा। जितने दुखी है, जो गोपिका दुखी है, जाकर के उसकी सेवा में, कोई कहता कि ये कहाँ से नई गोपी आ गई, कभी तो दिखी नहीं वृंदावन में। कोई कहता ये कृष्ण ही तो नहीं आ गया ये गोपी बनकर के यहाँ पर। वो किसी को नाम नहीं बताती, किसी को गांव नहीं बताती, खाली जो है वह माता को पता है कि इसका नाम चंदा है, इससे अतिरिक्त कहाँ से आई कुछ नहीं बताती। दिन रात सेवा में लग गई, बताओ वियोग में है वो कि संयोग में है। नित्य संयोग है कि नहीं कृष्ण का, कृष्ण के कार्य में लगी है तो नित्य संयोग है कि नहीं, वियोग गायब हो गया कि नहीं, बाहर से वियोग है और अंदर से नित्य संयोग।
सब यही सोचते कि ये कृष्ण ही जो है बन करके आ गया, नहीं तो ये गोपी तो कभी दिखी नहीं वृंदावन में, कहाँ से आ गई। एक ही काम उसका, सेवा में लगी रही, तन्मय रही। जब कुरुक्षेत्र का मेला आया, ब्रज के लोग वहाँ पर आए और द्वारका से ये लोग आए कृष्ण मिलने के लिए गए, तो वहाँ माता से बात, वो छिप गई। माता से बात करते करते कृष्ण कहते हैं, माता वो चंदा कहाँ है? अब माता कहती, अरे तू जानता उसको, वो तो तेरे जाने के बाद आई, तू जानता उसको, कैसे जाना तुमने उसको, वो तो तुम्हारे समय में थी नहीं। अरे वो नहीं आती तो ब्रज का कोई जीवित रहता ही नहीं। आज जो तुमसे तुम्हारा दर्शन मैं कर रही हूँ वो उसके कारण कर रही हूँ, हम जी नहीं सकते थे, उसने चिल्लाया। अब माता जोर से चिल्लाने लगी, चंदा चंदा। अब चंदा तो मिलती नहीं, कहाँ गई, बोलती नहीं। कृष्ण उदास हो गए, वहाँ से चले तो चंदा सामने से एक अंजलि पुष्प लेकर के आई, चरणों में गिर गई और वहीं जो है उसका तेज भगवान श्री कृष्ण में लीन हो। देखो कैसा संयोग है यह, वियोग में नित्य संयोग। द्वारका को लोगों को संयोग था पर वियोग ही था, भगवान को कहाँ समझा उन्होंने, भगवान कहाँ समझा उन्होंने, उन्होंने तो अपना भाई समझा, एक जो है वह यादव समझा, कल ही बता दिया था आपको। इसलिए ये बातें समझने की, हनुमान जी ने ये बात वहाँ पर कही, बाहर से असह्य दुख है पर अंदर से नित्य संयोग है। अंदर से नित्य संयोग की बात यही आती है कि जो मेरा स्मरण करता है उसको स्वप्न में भी दुख नहीं होता। अंदर से नित्य संयोग है, दुख कहाँ है वहां पर? चंदा को कहाँ दुख था, वो तो भगवान के काम में लगी हुई थी है? पर बाहर, वो बाहर का वर्णन हनुमान जी कर रहे हैं और वो अंदर का वर्णन राम जी कर रहे हैं, बस इतने अंतर है। बिना उसके भक्त जी नहीं सकता। इसलिए इस बात को जब तक नहीं समझोगे कि जो है वियोग में नित्य संयोग कैसे है और संयोग में वियोग कैसा है,